हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M32 में और ओप्पो A74 5G में और देखेंगे कि बेस्ट फ़ोन कौन सा है। तो बात की जाए डिस्प्ले से, सैमसंग की है 6.4 इंच की रेजोल्यूशन, 1080x2400 पिक्सल और स्क्रीन सुपर एमोलेड डिस्प्ले, और ओप्पो की डिस्प्ले 6.5 इंच की रेजोल्यूशन, 1080x2400 पिक्सल और स्क्रीन IPS LCD डिस्प्ले, और दोनों ही फ़ोनों में आपको 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है और ओप्पो में आपको पंचो डिस्प्ले भी मिलती है। और बात की जाए हार्डवेयर की, तो सैमसंग का है मीडियाटेक G85 का और CPU 2.0 GHz ऑक्टा कोर का और 12 नैनोमीटर्स का फिन फैट, और ओप्पो का प्रोसेसर है स्नैपडील का 480 5G का, CPU 2.0 GHz ऑक्टा कोर का और 8 नैनोमीटर्स का फिन फैट और GPU 619 का। और सैमसंग में आपको 6000 mAh की बड़ी सी बैटरी मिलती है, ओप्पो में ही 5000 mAh की, और दोनों फ़ोन की बैटरी एप्स नॉर्मल है, आप दोनों की बैटरी को निकाल नहीं सकते। और सैमसंग में चार्जर है 15 वाट का, ओप्पो में है 18 वाट का, दोनों में टाइप्स का सपोर्ट है, दोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक में मिल जाता है। और सैमसंग में आपको 64 MP का क्वाड कैमरा मिलता है, ओप्पो में ही 48 MP का ट्रिपल कैमरा, और सैमसंग में आपको 20 की सेल्फी मिलती है, ओप्पो में है 8 की। और कैमरे की क्वालिटी में सैमसंग बेस्ट है, और बैक में भी और फ्रंट में भी। और बात करते हैं रैम की, तो दोनों में सेम है 6 GB की, और दोनों में आपको ट्रिपल सिम मिलती है, और सैमसंग में मेमोरी है 64 GB 128 GB की, ओप्पो में 128 GB की, और दोनों में आपको नोट 11 मिलता है। तो बात की जाए प्राइस की, तो सैमसंग का एक्सपेक्टेड है 15,000 रुपये और ओप्पो का स्टार्टिंग है 17,999 रुपये। तो फिर आपको दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन पसंद आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।